Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most gracious. Our today's topic is change of voice. Ninth class. Change of voice is projected form. We have got the active se passive, passive se active. इसको मैं clarify कर दूँ पहले change of voice. Voice is that form of word. Which shows whether the subject does something or something is done to its subject. कि वर्ब की एक फॉर्म है चेंज ऑफ वॉइस जिसको हम कहते हैं रिपीटेडली एक्टिव से पैसिव में चेंज कर दो जी पैसिव से एक्टिव कि वॉइस ऑफ द वर्ब दैट शोज यू थिंग हमें जाहिर करती है कि वेदर सब्जेक्ट से डज समथिंग कि क्या सब्जेक्ट कुछ करता है जो एक्चुअल डूअर होता है बेटा जो काम करने वाला होता है एक्चुअल डूअर सिंटेंस पॉजिटिव जो नेगेटिव सेंटेंसेस के शुरू में होता है और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है कि ये हमें ये शो करता है कि वेदर द सब्जेक्ट डज समथिंग और समथिंग इज डन टू इट्स सब्जेक्ट इसको हम वॉइस कहते हैं जिसको हम कहते हैं चेंज ऑफ वॉइस मींस इफ द सेंटेंस इज इन एक्टिव फॉर्म देन यू हैव टू चेंज द वॉइस ऑफ दैट वर्ब इन पैसिव फॉर्म और अगर वर्ब पैसिव फॉर्म में देन यू हैव टू चेंज द वॉइस ऑफ दैट वर्ब इनटू एक्टिव फॉर्म अ वर्ब इज इन एक्टिव फॉर्म व्हेन द सब्जेक्ट डज समथिंग अगर सब्जेक्ट कुछ कर रहा है तो उसको हम कहते हैं कि वर्ब जो है वो एक्टिव फॉर्म है अगर इसको एक्टिव फॉर्म कह रहे हैं सेकेंड अ वर्ब इज इन पैसिव फॉर्म व्हेन Something is done to its subject. Or when something is done upon the subject, subject is not doing at that time. तो उसको हम कहते हैं कि ये verb जो है sentence का वो passive form है. तो we can conclude here. कि इफ सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग इफ सब्जेक्ट डज समथिंग देन दैट इज एक्टिव और इफ समथिंग इज डन अपॉन द सब्जेक्ट देन दैट इज इन पैसिव ये तो है लिटरली बात अब है प्रैक्टिकली हाउ टू चेंज द एक्टिव इनटू पैसिव और पैसिव इनटू एक्टिव For a number of times, I have already explained to you that whenever you have to tackle the change of voice, that is active into passive or passive into active, there are two steps that you have to perform. First of all, first step tells me that sort out the kind of the tense. Ki tense kaun sa hai? Pehle number pe you have to sort it out. आउट ऑफ एट टेंसेस जिनके एग्जिस्ट करते हैं पैसे एक्टिव से पैसे और पैसे से एक्टिव उनकी कंस्ट्रक्शन यू मस्ट नो द कंस्ट्रक्शन देन यू बी एबल टू सॉर्ट इट आउट वेदर इट इज इन एक्टिव फॉर्म आ रही पैसिव फॉर्म की फिंगर टिप पे हो सके कि एज आई एम गोइंग टू टेल पहला स्टेप
भी आपने जो है नेवर यू हैव टू टैकल विद चेंज ऑफ वॉइस, कि पहले उस सेंटेंस को रीड आउट करें। और कैसे आप उसको टेंस को स्टार्ट आउट करेंगे, उसके एक्चुअल वर्ब को देखेंगे आप, प्रैक्टिकल वर्ब जो मेन वर्ब है कौन से फॉर्म है, और उसके हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे। वहां से यू विल गेस इट कि वेदर इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और इसके लिए आपको फिंगर टिप पे इन आठ के आठ टेंसेस की जिनके एग्जिस्ट करते हैं वैसे वैसे आपके जो फिंगर टिप पे उनकी कंस्ट्रक्शन हो। एज अगेन आई एम गोइंग टू रिवाइज इट, लिसन टू मी अटेंटिवली। मैं कहता हूं कि अगर सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म है नो हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा ईएस की एडिशन है या नहीं है, तो आई वुड से कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव है, पॉजिटिव है। और अगर डू नॉट और डज नॉट फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव है और नेगेटिव है। ही शी के साथ डज नॉट, आई वी यू दे के साथ डू नॉट, सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और इसी तरह अगर इंट्रोगेटिव में डू और डज सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आई वुड से कि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव है और इंट्रोगेटिव है। इसी तरह अगर इन एमआर के साथ थर्ड फॉर्म पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी, इंट्रोगेटिव में भी, आई वुड से कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव फॉर्म। इस तरह मुझे फिंगर टिप पे उसकी कंस्ट्रक्शन पता चली। उसके बाद मैं पास्ट इंडेफिनिट पे आता हूं कि पास्ट इंडेफिनिट में अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मैं कहूंगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव है और पॉजिटिव है। अब सेकंड फॉर्म में फॉर अ नंबर ऑफ टाइम माइट बी अ कंफ्यूजन कि वो कहते हैं कि ईडी लगा के सेकंड और थर्ड एक जैसी फॉर्म होती है, तो हाउ यू डिफरेंशिएट वेदर इट इज सेकंड और थर्ड। अगर विदाउट हेल्पिंग वर्ब है तो सेकंड होती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ तो थर्ड। अब आ जाए कि अगर डेट नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म है या डेट सब्जेक्ट से पहले और फर्स्ट फॉर्म है, मैं कहूंगा कि पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है और एक्टिव है। और अगर बोथ ऑफ वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी, इंट्रोगेटिव में भी, तो मैं कहूंगा कि पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव फॉर्म। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट पे आ जाए कि विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी, इंट्रोगेटिव में भी, आई और वी के साथ शैल की विल माइंड, बाकी तमाम के साथ इधर दे आर सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, ही शी इट, ठीक है, तो यू के साथ, दे के साथ, सब के साथ भी, सिर्फ आई और वी के साथ शैल यू हैव टू प्लेस, तो मैं कहूंगा ये एक्टिव फॉर्म है फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर विल बी शैल बी थर्ड फॉर्म पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी, इंट्रोगेटिव में भी, आई वुड सो इट से कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव फॉर्म। अब आ जाए प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इज एमआर के साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म प्लस आईएनजी इज कॉल्ड फोर्थ फॉर्म, पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी, इंट्रोगेटिव में भी, मैं कहूंगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक्टिव। अगर इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग थर्ड फॉर्म पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी, इंट्रोगेटिव में, तो मैं कहूंगा कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पैसिव फॉर्मेशन है। इसी तरह वॉज और वर्ब के साथ पास्ट कंटीन्यूअस, वॉज और वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म है पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी, इंट्रोगेटिव में भी, आई वुड से ये पास्ट कंटीन्यूअस की एक्टिव फॉर्म है। अगर वॉज बीइंग, वर्ब बीइंग थर्ड फॉर्म पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, आई वुड से कि ये पास्ट कंटीन्यूअस की पैसिव फॉर्म। इसी तरह फ्यूचर कंटीन्यूअस का एग्जिस्ट नहीं करता, परफेक्ट टेंसेस की तरफ आए, प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव की कंस्ट्रक्शन, हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी, इंट्रोगेटिव में, मैं कहूंगा ये प्रेजेंट परफेक्ट की एक्टिव फॉर्म। हैज बीन, हैव बीन थर्ड फॉर्म पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन थर्ड फॉर्म, और इंट्रोगेटिव में भी, मैं कहूंगा प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव फॉर्म।
इसी तरह पास परफेक्ट एक ही अपनी फॉर्म होता है एट, और उसके साथ थर्ड फॉर्म पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी, इंट्रोगेटिव में भी पास परफेक्ट का एक्ट है। बीन की एडिशन कर दो, हैड बीन पॉजिटिव में भी, हैड नॉट बीन नेगेटिव में थर्ड फॉर्म, और हैड सब्जेक्ट से पहले बीन सब्जेक्ट के बाद पास परफेक्ट की पैसिव फॉर्म। इसके बाद आ जाए ये आठ टेंसेस थे जिनके एग्जिस्ट करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, एग्जिस्ट नहीं करते। इनकी आपकी कंस्ट्रक्शन अगर आपके माइंड में होगी आपका जब भी एक्ट से पैसे या पैसे से एक्ट को डील करना है, पहला काम है जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसका पता हो ये कौन से टेंस की है, देन यू बी एबल चेंज द वॉइस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि देखना है एक्टिव है या पैसिव। ये दो स्टेप है आप यू हैव टू परफॉर्म बिफोर सॉल्व कि देखें कौन सा टेंस है और एक्टिव है या पैसिव, देन यू बी एबल टू चेंज द वॉइस अगर एक्टिव है तो पैसिव, पैसिव है तो एक्टिव। अब टेक द प्रैक्टिकल एग्जांपल नाउ आपकी बुक में से जो कि आपका पेज नंबर आपके दिए हुए हैं 169 और पेजों के अकॉर्डिंग द सिलेबस 68-69 10 एग्जांपल्स है बेटा और 20 अनसॉल्व्ड हैं, अनसॉल्व्ड मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल ये पहला ही है। शी लाइक ये सेंटेंस है मेरे सामने आई एम सिटिंग इन द बोर्डिंग हाउस अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द टीचर फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू सर्च आउट द काइंड ऑफ द टेंस और उसके लिए मैं देखूंगा इसका वर्ब क्या, ये एक्चुअल वर्ब और ये फर्स्ट नाउन एडिशन है एस के ई एस पी आई गॉट इट फ्रॉम हियर कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव है। दोनों स्टेप मैंने क्लियर कर लिए सक्सेसफुली और इस एक्टर को मैंने पैसिव में कन्वर्ट करना है, देन आई हैव टू रिवाइव माय माइंड अगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैसिव फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं कहूंगा कि इसके पैसिव में एज एम आर हेल्पिंग वर्ब होता है और वैसे तो पैसिव में होती ही थर्ड फॉर्म है तमाम टेंसेस के पैसिव और हेल्पिंग वर्ब इसके पैसिव में एज एम आर। अब है टेक्निक पॉजिटिव और नेगेटिव की तमाम टेंसेस की एक ही टेक्निक है कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है मेरा। सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट लाइन एप्पल, अब पैसे बना रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो पैसे में तो हेल्पिंग वर्ब है ये रहवा, एप्पल प्लूरल है तो आर यू दो और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म और प्रेपोजिशन वाई की एडिशन करके उसके बाद सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म, शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म एप्पल द लाइट बाय। सेकंड द बॉय इज क्लाइंबिंग द वॉल, ये सेंटेंस है मेरे सामने अकॉर्डिंग टू सजेशन ऑफ माय टीचर, मैंने इसको देखा बहुत से आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट आउट द काइंड ऑफ द टेंस, मैंने इसके सबसे पहले मैंने उसके एक्चुअल वर्ब को देखा फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन टी फोर्थ फॉर्म बेस फॉर्म प्लस आई एन और ये हमेशा कॉन्टिन्यूटी के टेंसेस होती है और ये देखिए हेल्पिंग वर्ब इज आई गॉट इट फ्रॉम यू कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक्टिव है, इसका मैंने पैसे बनाना है और कॉन्टिन्यूटी के दो टेंसेस के एक्टिव से पैसे, पैसे से एक्टिव है और कॉन्टिन्यूटी के दोनों एक्टिव में बीइंग की एडिशन कर दो उनका पैसे बन जाता है। इट मीन इसके पैसे में इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग और थर्ड फॉर्म और पॉजिटिव एटेक
कि मैंने ये मेरा टारगेट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट उस टारगेट के बीच है, द वॉल, द वॉल के साथ इस बीइंग एंड बीइंग आर बीइंग में क्या आएगा, इस बीइंग, इस बीइंग। और थर्ड फॉर्म वर्ब की एक्चुअल वर्ब क्लाइंट बाय के एडिशन और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लीजिए द बाय द वॉल, द वॉल इज बीइंग क्लाइंट बाय द नेक्स्ट है बेटा वी डिड नॉट हियर अ साउंड, वी डिड नॉट हियर अ साउंड, थर्ड है ये। और बोर्ड में जितने भी आप प्रैक्टिस कर लें वो सारे इसी में से देता है, 10 एग्जांपल दें और बाकी 20 20 आंसर। ही डिड नॉट हियर अ साउंड, मैंने इसको देखा पहले, इसके मैंने इसके शॉर्ट वर्ड का भी कौन सा टेंस है, तो मैंने एक्चुअल वर्ब देखा ये फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हेल्पिंग वर्ब है डिड, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आई गॉट इट, कि ये पास्ट इंडेफिनिट है और इसका एक्टिव है नेगेटिव, और इसके पैसन में आई हैव टू नो रिवाइव माई माइंड कि इसके पैसन में वॉज और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म होती है, पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी, इंट्रोगेटिव। और वही अगेन द सेम टेक्निक कि ये सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए सब्जेक्ट जो काम करता है उसका एक्शन होता है वर्ब में और वो ट्रांसफर होता है ऑब्जेक्ट में, जिसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, जिनके पैसे में एग्जिस्ट करते हैं कि अगर सब्जेक्ट का एक्शन ट्रांसफर हो जाए वर्ब में और प्रॉपर ऑब्जेक्ट हो तो एग्जिस्ट करता है का एक्टिव से पैसे पैसे, अदरवाइज अगर इंट्रांसिटिव वर्ब है उसका एक्शन ट्रांसफर नहीं होता ऑब्जेक्ट पे तो पैसे में एग्जिस्ट नहीं करता। आप ये है ऑब्जेक्ट बनाए सब्जेक्ट के नीचे अ साउंड, साउंड और इसके पैसे में हेल्पिंग वर्ब है वाज नॉट, वर नॉट, थर्ड फॉर्म वाज नॉट, हियर थर्ड फॉर्म हर्ड बाय ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म, अ साउंड वाज नॉट हर्ड बाय हिम, उधर बी है तो बी की, अगर बी इधर लिखूंगा तो वास आ जाएगा, डजंट मैटर। नेक्स्ट है दे हैव बॉट अ हॉर्स, दे हैव बॉट अ हॉर्स, फोर्थ है दे है बोट अ हॉर्स, ओके। मैंने वो दो स्टेप दैट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि उनको परफॉर्म करना, पहले मैंने इसको टेंस को शॉर्ट आउट करना और देखना है एक्टिव है या पैसिव, वैसे ही इसका सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग एक्टिव है और हैव के साथ थर्ड फॉर्म है और हैव के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट की एक्टिव फॉर्मेशन, और ये इसका ऑब्जेक्ट है और इसके पैसिव में क्या होता है हैज और हैव के साथ बीन की एडिशन ऑफ थर्ड फॉर्म हैज बीन हैव बीन थर्ड फॉर्म, अ हॉर्स हैज बीन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है बोट by they can get the form then the board has given me a gold medal, the board
has given me a the board is the subject. ये एक्चुअल वर्ड है थर्ड फॉर्म है हैदर एफ के साथ आई गॉट इट प्रेजेंट परफेक्ट और मी इसका ऑब्जेक्ट है नंबर वन अ गोल्ड मेडल नंबर टू दो ऑब्जेक्ट है देखिए बेटा ए और एन के बाद डी के बाद ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो दैट विल बी सेकंड ऑब्जेक्ट अगर प्रेपोजिशन के बाद ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है वो एंड पे एज इट इज रहती है ऑब्जेक्ट के बाद ही उसकी पोजिशन होती है कीप इन माइंड इसको कहते हैं अ गोल्ड मेडल को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इसको कहते हैं इनडायरेक्ट यहां पर पॉइंट है ग्रामेटिकल कि हमेशा दोनों को ऑब्जेक्ट को आप ला सकते हैं पहले चाहे मी को लाए चाहे गोल्ड मेडल को व्हाट द प्रेफरेंस इज गिवन टू द ऑब्जेक्ट दैट इज लिंक्ड टू द लिविंग बीइंग प्रेफरेंस आ जाती है ग्रामर में और फॉर नंबर ऑफ टाइम बोर्ड में बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चे जो फॉलो नहीं करते बड़े रिजिड माइंडेड टीचर भी होते हैं जो प्रेफरेंस फिर उसको गलत कर देते हैं इसलिए प्रेफर करें कि नॉन लिविंग की जगह लिविंग ऑब्जेक्ट जो कि इनडायरेक्ट है उसको पहले लिखें ये प्रेफरेंस है उसको ना लाए तो बेहतर है आपके लिए मी मी की सब्जेक्ट फॉर्म आई और प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव में हैव बीन हैव बीन तो आई के साथ हैव बीन और उसके बाद थर्ड फॉर्म गिवन और सेकंड ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म के बाद आई हैव गिवन अ गोल्ड मेडल और बाय के एडिशन और सब्जेक्ट को माय द गोल्ड आई हैव बीन गिवन अ गोल्ड मेडल बाय द Next day, brother, he praised the boy for his talent. He praised the boy for his courage. Do we manage? First of all, मैंने start out करना कौन सा tense है? Active है. ये subject है. ये वर्ब की फॉर्म है प्रेज्ड विदाउट हेल्पिंग वर्ब आई गॉट इट ये सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म ये की टेंस है आउट ऑफ 12 टेंस है पास्ट डेफिनेट तो आई गॉट इट फ्रॉम हियर कि ये पास्ट डेफिनेट है ये इसका ऑब्जेक्ट है और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है इट विल रिमेन एट द एंड इसको टच नहीं करना एंड पे ही रहेगा और पास्ट डेफिनेट के पैसिव में क्या होता है वाज और वर्क के साथ थर्ड तो इसको ऑब्जेक्ट को ले द बॉय was third one praised by he gave objective from him for his courage agar aap isko likh dete hain the boy was praised for his courage by that is wrong ye prepositional phrase ki position hamesha object ke baad hai end pe aayegi ye yahan थर्ड फॉर्म के बाद सेकंड ऑब्जेक्ट ही आता है यहां प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं आती इस पॉइंट को जो इग्नोर करेंगे उनका रॉन्ग होगा नेक्स्ट है बेटा व्हाई वर दे बीटिंग द बॉय व्हाई वर दे बीटिंग द बॉय व्हाई वर दे beating the ball मैंने I'm sitting in the exam मैंने देखा फॉरी तौर पे एक्चुअल वर्ब ताकि मैं सॉर्ट आउट कर सकूं कौन सा टेंस है बीट के साथ आई है फोर्थ फॉर्म कोई ना कोई कंटिन्यूटी का टेंस है तो मैं फॉरी हेल्प में वर्ब देखूंगा तो वर्ब आई गॉट इट के ये पास्ट कंटिन्यूस है और एक्टिव फॉर्मेशन है इंट्रोगेटिव और इसके पैसिव में वर्ब भी वर्ब ये थर्ड फॉर्म पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव और आप देखेंगे डबल इंट्रोगेटिव है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन व्हाई शुड बी
जितने भी इंट्रोगेटिव होंगे जिनमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा एक्सेप्ट हु को बाई होम में कन्वर्ट करना है दो, बाकी है नीचे ले वाय और हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है द बॉय, उसके साथ वॉज या वर्ब वॉज, वाय वॉज द बॉय और जो किए गए सब्जेक्ट के बाद बीइंग और इसकी थर्ड फॉर्म बीटन बाय दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है Why was the boy being beaten by them? Why was the boy being beaten by them? Ab kar We use milk for making cheese. ये मैं जो ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट वाले हैं उनको पहले कर रहा हूं। We use milk for making cheese. We use milk for making cheese. ये इसलिए मैंने सेलेक्ट किया है कि इसके जो हमेशा बच्चे उसको जो प्रेपोजिशनल फ्रेज की पोजीशन गलत लगती है। वी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यूज फर्स्ट फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है। इट मीन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव है, पॉजिटिव है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो पैसिव में एज है आपके साथ थर्ड फॉर्म पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी इंग्रॉ और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है फॉर मेकिंग चीज इसकी पोजीशन हमेशा एंड पे रहे इसलिए मैंने सेलेक्ट किया है। कई नोट्स पे इसकी पोजीशन नाउन लिख देते हैं और वो गलत होता है। अब मेरे साबित के नीचे मेरे इज इसकी थर्ड फॉर्म यूज्ड बाय बी के ऑब्जेक्टिव फॉर्म वाज फॉर मेकिंग चीज, ये है पोजीशन। अगर कोई लिखेगा मिल्क इज यूज फॉर मेकिंग चीज बाय एयर दैट विल बी डिक्लेयर्ड रॉन्ग ऑल टुगेदर, इसलिए बी वेयर। अकार रैन ओवर एन ओल्ड मैन, अकार रैन ओवर एन ओल्ड मैन, मैंने देखा इसको अगेन रन सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट की प्रेपोजिशन है और एन ओल्ड मैन इसका ऑब्जेक्ट है और इसके पैसिव में वाज और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म एन ओल्ड मैन वाज रन की थर्ड फॉर्म रन ओवर बाय He will give you a box of chocolates. He will give you a box of chocolates. मैंने देखा will के साथ फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव है और you नंबर वन ऑब्जेक्ट है, a box of chocolate नंबर टू, ए और एन के बाद डी के बाद ग्रुप ऑफ वर्ड होगा तो वो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन अगर प्रेपोजिशन के बाद होगा वो प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब मैं अगेन इसको जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको प्रिफर करूंगा, यू की सब्जेक्ट फॉर्म यू और फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव में विल बी शैल बी थर्ड फॉर्म यू विल बी थर्ड फॉर्म गिवन और थर्ड फॉर्म के बाद सेकंड ऑब्जेक्ट की पोजीशन गिवन अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट बाय यू विल बी गिवन अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट बाय हिम।
He had told me to do it. He had told me to do it. He had told me to do it. मैंने देखा had के साथ third form है, past perfect और active और ये object है इसका और ये इसकी prepositional phrase अब last me की subject form आई I had been told by him to do it. No, बेटा just done and dusted. इसको revise करते हैं यही आपके next paper में होगी. Okay, अल्लाह.